भारत सहित दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। भारत में अब जाकर 18 से ऊपर के लोगों को वैक्सीन की सुविधा दी गई है। इससे पहले 45 साल से ऊपर वालों को ही वैक्सीन दी जा रही थी। भारत में वैक्सीनेशन के लिए लोगों को स्लॉट बुक करने में काफी परेशानी हो रही है। एक डोज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं इटली में डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से एक ही लड़की को 6 वैक्सीन की डोज दे दी गई। मामला 9 मई का बताया जा रहा है। इटली में 23 साल की एक स्टूडेंट को नाउ हॉस्पिटल में एक ही दिन में 6 बार कोरोना वैक्सीन दे दी गई। वैक्सीनेशन में हुई इस घोर लापरवाही की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। न्यूज एजेंसी AGI की रिपोर्ट के मुताबिक 6 डोज के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया था। सभी चिंतित हो गए थे कि इतने डोज का जाने लड़की की बॉडी पर क्या असर होगा। इस वजह से लड़की को 24 घंटे मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया। नाउ हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर एंटोनिला विसेंट ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। उसे 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। फाइजर की इतनी लार्ज डोज के बाद सबको डर था कि जाने क्या अंजाम होगा, लेकिन लड़की को ना तो बुखार आया ना ही दर्द हुआ। हालांकि 6 डोज मिलने के बाद लड़की डरी हुई थी। 6 डोज के 24 घंटे बाद तक लड़की को निगरानी में रखा गया। इसके बाद जब कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखे तो उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। हालांकि डॉक्टर्स ने कहा है कि अब इस लड़की को लगातार मेडिकल ऑब्जर्वेशन के लिए बुलाया जाएगा, देखने के लिए कि क्या इसकी वजह से लड़की की बॉडी पर कोई असर पड़ा है या नहीं। बता दें कि इससे पहले एक स्टडी में सामने आया था कि फाइजर के 4 डोज ही कोई इंसान बर्दाश्त कर पाता है। अब इस लड़की को 6 डोज मिलने के बाद भी सभी चिंतित हैं। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।